हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो इंतजार हुआ खत्म और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज अब आ चुका है नॉलेज अड्डा का। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर बीएससी फाइनल ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बीएससी 2024 एग्जाम। नॉलेज अड्डा लायन बैच है ये हमारा। और एक चीज़ और बता दूं गाइस कि बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को मेरे चैनल में मिल जाएगा विथ नोट्स PDF। तो आप लोग एक बार सर्च जरूर करें। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा हुआ है, जहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस आप लोगों को वहां पर मिल जाएगा। सभी टॉपिक को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आज के वीडियो में जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ, पिछले 4-5 सालों से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ। हर साल बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में फंसते हैं। काफी सारे बैच मेरे चैनल से पढ़ के बच्चे निकल चुके हैं, उनका काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, प्लीज उसकी तैयारी आप लोग जरूर कर कीजिएगा। यहाँ पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन बता रही हूँ, 25 ऐसे क्वेश्चन बता रही हूँ जो कि एग्जाम में आने के 90% चांसेस हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग लिखिए, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को समझाइए, एक्सप्लेन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से मैंने नोट्स बनाया हुआ है, समझाया हुआ है। तो आप लोग नीचे प्लेलिस्ट में एक बार चेक जरूर कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है ना। सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अष्टफल के एवं चतुष्फल की संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन समझाइए, एक्सप्लेन द डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। वैसे मैं बता दूं गाइस, जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वाला टॉपिक है वो पूरा ही इंपॉर्टेंट है ना, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को आप लोग मत छोड़ना, अच्छे से पढ़ के जाना। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए, वर्ग समतली संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को समझाइए, एक्सप्लेन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, चौथे नंबर का क्वेश्चन देखिए, धातु संकुलों में ऊष्मागतिक स्थायित्व तो पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। पांचवे नंबर का क्वेश्चन है, ट्रांस प्रभाव क्या है, ट्रांस प्रभाव श्रृंखला को लिखिए, व्हाट इज ट्रांस इफेक्ट, राइट डाउन द ट्रांस इफेक्ट सीरीज। तो ये जो 5 क्वेश्चन है यूनिट नंबर 1 से है। चलिए मैं आप लोगों को अगला यूनिट का क्वेश्चन दे देती हूँ। सो गाइस, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि हमारे चैनल में हैंड रिटन नोट्स, जैसे कि आपको पता ही है कि मेरे चैनल में हैंड रिटन नोट्स से ही मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ। तो अगर आप प्लेलिस्ट के लिंक में जाकर के जितने भी वीडियो मेरे देखोगे वो सारे हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आप लोग वहाँ पर जाके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप शॉर्ट्स में भी देख सकते हो। शॉर्ट्स में भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे PDF वगैरह डाल के रखे हुए हैं। इसके अलावा अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर, व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो और नोट्स PDF को कंप्लीट बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का आप लोग परचेज भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हो, नोट्स बनाते हो, तो आपको परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप नॉर्मली मेरे चैनल से वीडियो देख करके भी नोट्स बना सकते हो। चलिए हम लोग 6वें नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑर्गल आरेख क्या है, इन आरेखों से क्या जानकारी मिलती है, है ना। What are organ diagram? What information is conveyed by this diagram? 7th नंबर का क्वेश्चन है। और एक चीज़ और बता दूँ गाइस, जितने भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ ना, वो सभी आप लोगों को मेरे चैनल में मिल जाएंगे। स्पेक्ट्रोरासायनिक श्रेणी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, चुंबकीय सुग्राहिता क्या है, यह तापक्रम के साथ कैसे बदलती है, व्हाट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, हाउ डज इट वैरी विथ टेम्परेचर। 9th नंबर का क्वेश्चन है, डीडी संक्रमण के लिए वरण नियम क्या है, वरण नियम लिखिए, राइट द सिलेक्शन रूल ऑफ डीडी ट्रांजिशन। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, अनुचुंबकत्व एवं प्रतिचुंबकत्व को समझाइए, एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिज्म एंड डाई मैग्नेटिज्म। तो ये जो पैरामैग्नेटिज्म हो गया, डाई मैग्नेटिज्म हो गया, ये पूरा आप लोग देख लेना विथ डायग्राम एंड विथ एग्जाम्पल, है ना, क्वेश्चन आता है। तो 10 क्वेश्चन अभी तक आप लोगों को मिल गया। चलिए मैं आगे का क्वेश्चन आप लोगों को एक्सप्लेन मैं आप लोगों को बताती हूँ, बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा सजेशन दे रही हूँ एग्जाम की तैयारी के लिए। देखो गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को ऑफकोर्स बता रही हूँ, बट इसके अलावा अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको अनसॉल्व अपने पास रखना ही रखना है, क्योंकि जो अनसॉल्व में पिछले 5-10 साल के क्वेश्चन होते हैं ना, वो कई बार रिपीट हो जाते हैं, है ना। तो उससे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छे से मिल सकता है गाइज। तो आप लोग अनसॉल्व से भी प्रैक्टिस करना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रही हूँ वो प्रैक्टिस करोगे ही करोगे, आई नो, बट थोड़ा बहुत अनसॉल्व को भी आप लोग देख लेना, है ना। चलिए 11वें नंबर का क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताती हूँ, कार्ब धात्विक यौगिक क्या है, इनका वर्गीकरण समझाइए, व्हाट आर ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, एक्सप्लेन देयर क्लासिफिकेशन।
12 नंबर का क्वेश्चन है, जिगलर नाटक उत्प्रेरक क्या है? व्हाट इज जिगलर नाटक कैटलिस्ट? 13 नंबर का क्वेश्चन है, कार्ब लिथियम यौगिक बनाने की विधि लिखिए। राइट द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ कार्ब लिथियम कंपाउंड। 14 नंबर का क्वेश्चन है, धातु कार्बोनिल क्या है? VCO6 और FeCO5 की संरचना को समझाइए। व्हाट आर मेटल कार्बोनिल? डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ VCO6 एंड FeCO5। 15 नंबर का क्वेश्चन है, धातु ओलिफिन संकुल क्या है? PTCl3C2H4 की संरचना को समझाइए। व्हाट इज मेटल ओलिफिन कॉम्प्लेक्स? एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ PTCl3C2H4। तो ये सारे क्वेश्चन हैं गाइस आपके यूनिट 3 से ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, आप लोग एक बार चेक जरूर कर लेना अपने सिलेबस में। चलिए मैं आप लोगों को चलेगी इस आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बट उससे पहले एक छोटा सा सजेशन एग्जाम के लिए। अब एग्जाम को ज़्यादा टाइम नहीं बचा गया, इस प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए क्वेश्चन को। और मैं अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ ना, इतना ईजी है और बहुत जल्दी, अगर आप चाहो तो 2 से 3 दिन में ही आप लोग पूरा 5 यूनिट की तैयारी कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल से पढ़ते हो तो फिर तो और बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि बहुत ईजी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है BSc 3rd ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, है ना। तो प्लीज़ आप लोग एक बार चेक ज़रूर करें और अच्छे से मेहनत करो, बिल्कुल इजी है, कुछ भी कठिन नहीं है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन हीमोग्लोबिन गाइस। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देख के चले जाना, बहुत आता है हीमोग्लोबिन का फंक्शन स्ट्रक्चर और इसके बारे में ऐसे, है ना। 17 नंबर का क्वेश्चन है, क्लोरोफिल की संरचना बनाइए। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। देखो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बनाना बहुत आता है। 18वें नंबर का क्वेश्चन है, नाइट्रोजन फिक्स स्थिरीकरण से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन? 19वें नंबर का क्वेश्चन है, क्षारीय एवं क्षारीय मृदा धातु आयनों की जैविकी भूमिका का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल रोल ऑफ एल्केलाई एंड एल्केलाइन अर्थ आयन, है ना। 20वें नंबर का क्वेश्चन है, मायोग्लोबिन क्या है? इसकी संरचना तथा कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए। व्हाट इज मायोग्लोबिन? एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर एंड मेजर फंक्शन। हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, क्लोरोफिल एंड बायोलॉजिकल फंक्शन, ये चारों तो आप लोग देख करके ही चले जाना है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसमें से कोई ना कोई एक दो क्वेश्चन आ ही गया समझो, है ना। चलिए मैं आगे के और क्वेश्चन आप लोगों को बता देती हूँ। चलिए गाइस एक लास्ट सजेशन आप लोग देख लीजिए एग्जाम के लिए। अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हो बीएससी में, तो जैसा कि आपको पता ही है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से देखते आ रहे हो कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बहुत आते हैं। हालांकि मैं जो भी क्वेश्चन बता रही हूँ वो लॉन्ग टाइप है, बट आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की भी तैयारी करना है गाइस। और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कैसे तैयारी करोगे? टॉपिक के बीच बीच से उन लोग निकाल के पूछते हैं, या फिर आप अनसॉल्व्ड देखो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तैयारी करना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तभी बनेगा जब आप किसी टॉपिक को डिटेल में समझोगे, है ना। तो ये सब चीज को आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो गाइस, क्योंकि जो केमिस्ट्री है ना उसमें ये सब एक एक दो दो नंबर का बहुत आता है। हालांकि लॉन्ग टाइप भी आता है, बस शॉर्ट टाइप बहुत आता है। 21वें नंबर का क्वेश्चन है, अकार्बनिक बहुलक क्या होते हैं? इनके उदाहरण अनुप्रयोग लिखिए। व्हाट आर इनऑर्गेनिक पॉलीमर? गिव एग्जांपल एंड राइट देयर एप्लीकेशंस। 22वें नंबर का क्वेश्चन है, सिलिकॉन्स क्या होते हैं? इनके बनाने की विधि एवं अनुप्रयोग लिखिए। व्हाट आर सिलिकॉन्स? राइट देयर मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड एप्लीकेशन। 23 नंबर का क्वेश्चन है, कठोर तथा मृदु अम्ल क्षार सिद्धांत की विवेचना कीजिए। इसके कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। डिस्कस द हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल एंड राइट इट एनी 2 एप्लीकेशंस। 24वें नंबर का क्वेश्चन है, डाइफॉस्फोजिन की संरचना को समझाइए। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डाइफॉस्फोजिन। लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर का आप लोग सुन लीजिए, एसिड बेस, हार्ड एसिड सॉफ्ट एसिड बेस को ना आप लोगों को वो करने आता है, छांटने आता है। बहुत सारा उन लोग कंपाउंड दे देंगे या फिर एलिमेंट दे देंगे और आपको कहा जाएगा कि बताइए कि ये सॉफ्ट एसिड है कि सॉफ्ट बेस है, हार्ड एसिड है कि हार्ड बेस है। तो उसको आप लोगों को पहचानना आना चाहिए। इसके लिए क्या करना है, आप लोगों को बुक में देखना है कि कौन सा सॉफ्ट एसिड है, कौन सा हार्ड एसिड है ना गाइस। तो ये हुआ आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी से आप लोगों के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, काफी अच्छा जाएगा आप लोगों का एग्जाम अगर आप लोग इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ के जाते हो। आप लोग एक बार प्लेलिस्ट लिंक आप लोग जरूर चेक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड्स भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।